नमस्कार दोस्तों, मैं हीरालाल आज आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑयल सील की। जो ये ऑयल सील होता है, ये कैसे वर्क करता है और ये कहाँ पे यूज होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर में लगने वाली सील से कैसे डिफरेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं ऑयल सील की। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में ये एक ऑयल सील है। इस ऑयल सील में आप देखेंगे कि ये जो बनी हुई है, ये रबड़ आपको दिखाई दे रही होगी, रबड़ की बनी हुई है, ब्लैक कलर का ये रबड़ लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या मेटल होता है? इसके अंदर एक तो ये रबड़ रहता है, दूसरा आप देखेंगे इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, दूसरा जो ये आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही हार्ड है, ये दबती नहीं है। तो इसके दबने का जो राज है वो क्या है कि इसके अंदर मेटल होता है। एक एल टाइप की कटोरी बनी होती है, उसके ऊपर हम रबड़ चढ़ा करके और इसके अंदर स्प्रिंग लगा के इसको ऑयल सील के रूप में बनाते हैं। दोस्तों, ये कहाँ पे यूज होती है, मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। एक गियर बॉक्स बनाया है मैंने, जिसमें मैंने एक ड्राइव शाफ्ट और एक ड्रिवन शाफ्ट लगाई है, जिसमें आप देख पा रहे हैं दो गियर लगे हुए हैं, एक ड्राइव गियर और ड्रिवन गियर। दोस्तों, अब इसको हम यूज गियर बॉक्स में कहाँ पे करते हैं? एक्चुअली ऑयल सील को हम रोटरी सील भी बोलते हैं, क्योंकि ये घूमती हुई शाफ्ट के ऊपर यूज किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि गियरबॉक्स के अंदर जो ऑयल होता है वो बाहर ना आए। मेन मुद्दा जो होता है कि हमें ऑयल या ग्रीस जो भी है, हमारा जो है लिक्विड है, वो बाहर ना निकले और अंदर लुब्रिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑयल सील लगा देते हैं घूमती हुई शाफ्ट पे, तो इसलिए इसको रोटरी शाफ्ट भी बोल देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है, ये एक ऑयल सील लगाई है, उसमें ये दो बिंदु जैसे देख रहे हैं आप, ये आपके स्प्रिंग है। वो स्प्रिंग क्या करते हैं, इसको दबा के रखेंगे, यानी जब इसको दबा के रखेगा तो घूमती हुई शाफ्ट के ऊपर स्प्रिंग की वजह से अगर ये आपका क्लैंप रहेगा, बिल्कुल लॉक रहेगा, तो ऑयल बाहर नहीं आएगा। तो ऑयल सील का मुख्यतः जो मेन काम होता है वो स्प्रिंग करता है, जो घूमती हुई शाफ्ट को पकड़ के रखता है। अगर आपका ये स्प्रिंग नहीं होगा इसमें, तो आपका ऑयल बाहर आने का चांसेस रहेगा पूरा पूरा। तो दोस्तों, ये तो रही कि ये काम कैसे करता है, स्प्रिंग की वजह से ये पकड़ के रखता है और इसको हम गियर बॉक्स में यूज करते हैं, या जो घूमती हुई शाफ्ट जहां भी है आपकी, वहां पे आप इसको यूज करेंगे, या आपको डस्ट ना जाए उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई वर्टिकल शाफ्ट हो और उसके अंदर बेयरिंग लगाओ, ऊपर से कवर है और उसके अंदर आपका डस्ट जा रहा है बेयरिंग पे, तो उस वहां पर भी आप इसको लगा सकते हैं, ताकि आपका जो है घूमती हुई शाफ्ट को ये जो स्प्रिंग इसमें लगा रहता है वो पकड़ के रखे और अंदर डस्ट ना जाने दे। अब रही बात दोस्तों, ये जो बनता है इसके अंदर स्टील की एक प्लेट, जिसको हम एल टाइप की एक कटोरी होती है वो होती है, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ होता है और स्प्रिंग होता है। तीन चीजों को मिला करके इसको बनाया जाता है। दूसरा दोस्तों, ये डिफरेंस कैसे है, कैसे है हाइड्रोलिक सिलेंडर की जो सील होती है उससे डिफरेंस, मतलब अलग कैसे है? तो वो जो बनी होती है दोस्तों, उसमें स्प्रिंग नहीं होता है, ना ही मेटल की कटोरी होती है। तो वो जो होती है थोड़ी मुलायम होती है और वो कई प्रकार की होती है, चेवरॉन पैकिंग है या आपका यू टाइप, वी टाइप, इस टाइप से शेप के नाम से भी आती है। पीटीएफपी में लेंगे तो स्ट्रिप टाइप की रहेगी, गाइड स्ट्रिप भी रहती है, बट इसके अंदर दोस्तों ये एक ही शेप में मिलती है आपको और इसके अंदर स्प्रिंग होगा। आप इसकी पहचान करोगे ऑयल सील कौन सी है, तो स्प्रिंग अगर लगा है तो आपकी ऑयल सील, आप उसको ऑयल सील के नाम से ही मंगवाओगे। अब रही बात इसका साइज कैसे हम लेते हैं, दोस्तों इसकी ओडी ये हो गई, ओडी, और ये जो आप देखेंगे ये थिकनेस, ये जो आपकी है ये थिकनेस हो गई और ये आपकी जो है ओडी हो गई, और जो अंदर जो शाफ्ट हम डालेंगे, शाफ्ट का जो जितना आपका ओडी होगा वो आईडी हो गई। इसको जब हम मंगवाने जाएंगे तो तीन जो होता है, तीन चीज हमें चाहिए, ओडी, आईडी, थिकनेस। जो इसके ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, अभी इसके ऊपर लिखा हुआ है 17-30-8, यानी इसका जो 17 है वो आईडी है, यानी जिस जो शाफ्ट की लगेगी वो 17 की आईडी की लगेगी, और जो ओडी है वो 30 है, यानी जो जिसके अंदर आप इसको फिट करेंगे उसकी आईडी जो है 30 होनी चाहिए जिसमें ये फिट होगी, और जो थिकनेस है जहां पे डेप्थ होगी, जहां पे कट होगा, वो डेप्थ जो है 8 mm होनी चाहिए। तो वो अगर आपके पास ये सील आपकी खराब हो गई है, आप लोगों को नहीं मालूम है कि ये जो सील मेरे को कैसे मंगवानी है, कौन सी सील लगी थी, तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा डायरेक्टली कि इसकी ओडी, आईडी और थिकनेस क्या है, यानी शाफ्ट की ओडी कितनी है उसको आप आईडी लीजिए, और जो उसके अंदर कट लगा हुआ है प्लेट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, मैंने प्लेट बनाई है, इस प्लेट के अंदर जो ये यहाँ से
और यहां तक अगर इसको मापेंगे जो कट लगा हुआ है, तो यानी प्लेट के अंदर जो आईडी कटी है उसको आप ओडी लीजिए इसका, और सांप की ओडी को आईडी लीजिए, उल्टा करिए, और जो डेप्थ यहां से और यहां तक जो डेप्थ है ये, इस डेप्थ को आप थिकनेस लीजिए, तो आपका आपको मंगवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास कोई नंबर नहीं है, साइज नहीं है, तब भी आप इसको मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों ये मैंने बताया आप लोगों को किस चीज की बनी हुई है और कैसे आप इसका साइज निकाल सकते हैं। मुख्यतः दोस्तों जब भी आप कोई गियरबॉक्स देखते हैं उसमें से अगर आपका ऑयल लीकेज हो रहा है या आपका ग्रीस वगैरह लीकेज हो रहा है, तो आप तुरंत उसका ऑयल सील चेंज करिए और खोल के प्लेट उसका साइज लीजिए। और मैंने ये बताया कि हाइड्रोलिक सिलेंडर में जो सील लगती है उससे डिफरेंस कैसे है वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि उसकी शेप होती है, इसकी खाली एक ही शेप होती है। इसको रोटरी सील के नाम से भी कुछ लोग बोलते हैं और ऑयल सील के नाम से भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो था मेरा वीडियो ऑयल सील के ऊपर। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक व शेयर जरूर करिए, और जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।